तो ये सारे निकल कर तैरने लगे। अच्छा कहाँ से आवाज आ रही है, आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉर्निंग का मौसम है और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं होंडा की कॉम्पैक्ट सेडान होंडा अमेज के बारे में। ये वीडियो एक रिव्यू वीडियो होने वाली है और इसके ओनर है डॉक्टर अनिल जी। आज इस वीडियो में जानेंगे उनसे इनका एक्सपीरियंस कि होंडा अमेज को लेकर वो कितना खुश है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो होंडा की गाड़ियों को कंसिडर करते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में जानेंगे रियल रिव्यू इसके ओनर से कि क्यों उन्होंने एग्जैक्टली होंडा अमेज ली और कैसा क्या बेनिफिट उनको इस गाड़ी के अंदर मिल रहा है। तो ये है होंडा अमेज के ओनर डॉक्टर अनिल जी। कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर। तो क्या प्लान बना आपका लेने का? ये मेरा पहली प्रायोरिटी थी फोक्सवैगन पोलो। अच्छा। मैंने उसके बारे में प्लान किया था, वो मतलब काफ़ी टाइम से मेरी चॉइस बनी हुई थी, लेकिन क्योंकि जब मैंने गाड़ी लेने का प्लान किया था 3 साल पहले, तो मार्केट में और भी कई जैसे ओपिनियन लेने होते हैं, तो ओपिनियन लिए गए तो वहाँ लोगों ने बताया कि उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, एवरेज कम है, मेंटेनेंस ज़्यादा है। तो कुछ बातों को देखते हुए मैं फिर भी इग्नोर कर रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक ऐसा भी मेरा पर्पस था कि एक फैमिली कार भी हो जाए, कम से कम 4 लोग उसमें आराम से बैठ कर के कहीं आना जाना हो तो ईजिली कर पाए। जब मैंने पोलो को जा कर के देखा शोरूम में, तो मैंने देखा कि उसका जो बैक स्पेस है वहाँ पे बहुत मतलब कंजेस्टेड सा है। अच्छा। इजीली मतलब 2 लोग आराम से बैठना चाहें खुल करके नहीं बैठ सकते। दूसरा एक रीज़न ये था कि उसको साइड करने का, कि उसका जो इंजन है वो पहले 1.2 आता था, लेकिन अब उन्होंने 1 लीटर में कर दिया था, तो कहीं ना कहीं डाउट था कि इसकी पावर कहीं कम हो जाएगी। अब मैंने उसका आइडिया छोड़ करके अब मैं सेडान की तरफ आया। सेडान में मैंने मारुति तो मेरी चॉइस थी, मैं नहीं लेना चाहता था उसको। क्यों क्यों नहीं मारुति? यही है कि इसका जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी फीचर्स, हाँ वो तो है, सेफ्टी फीचर्स को देखकर, और फिर बहुत कॉमन भी थी वो, तो कॉमन जो हर किसी के पास हो वो लेने का मेरा फिर वो मोटिव था। अच्छा, वैसे जब बात हो रही है सेफ्टी फीचर्स की, तो होंडा अमेज के अंदर ग्लोबल एनकेप में 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, तो अगर बात करें मारुति से तो भाई आप गुना सेफ है होंडा अमेज। आपके पास इतने सारे ऑप्शंस थे, लेकिन आपने फिर भी होंडा अमेज को चूज किया, क्या सॉलिड रीजन रहा उसके लिए? सर, सबसे सॉलिड रीजन जो था वो थी इसकी रोड प्रेजेंस। अच्छा। गाड़ी देखने में इतनी क्लासी लगती है, इतनी प्यारी लगती है गाड़ी, कि आप इसको दोनों तरह से रख सकते हो। आप चाहें तो इसको ऑफिशियली एक प्रोफेशनल लुक में भी रख सकते हो, आप चाहें तो उसको स्पोर्टी लुक में भी रख सकते हो। सबसे पहला रीजन तो यही था इसका। चौड़ी तो है गाड़ी यार, है ना, और इसका जो सामने का लुक है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा लगता है भाई, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर आपको होंडा अमेज में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा बूट स्पेस मिलता है, जो कि है 420 लीटर का, और कोई भी ऐसी ब्रांड नहीं है कॉम्पैक्ट सेडान के अंदर जिसमें आपको इतना बूट स्पेस मिलता हो। ये देखो भाई कितना ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाता है और काफ़ी डीप है। चलने में कैसी है? चलने में बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंटली चलती है बिल्कुल। अगर बस इसमें एक जो मैं कहूँगा कि इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर आप ओवरटेक करना चाहोगे तो बहुत इजीली आपको ओवरटेक नहीं हो पाएगी, उसके लिए आपको कम से कम आपको सेकंड गियर में आना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों सर? थोड़ा सा इसका जो एक्सलेशन है ना वो थोड़ा वो कम है ना, और अगर उसकी मैं बात करूँ तो मारुति में वो बहुत अच्छा है। मैंने हुंडई की गाड़ियाँ भी मैंने ट्राई की थी, उनमें भी सेम चीज़ Okay. भी आपको गियर शिफ्ट करना ही पड़ेगा, डाउन आना ही पड़ेगा। ओके, और माइलेज क्या मिल रही है आपको? माइलेज की बात करूँ तो माइलेज इसकी जो है मुझे हाईवे पर तो अच्छी खासी माइलेज मिल जाती है। नंबर्स की बात करें लगभग 20 से 21 की माइलेज आपको मिल रही है। अच्छा। लेकिन अगर सिटी की बात करें तो सिटी में एसी ऑन रख करके इसकी जो माइलेज है वो शायद 13 के आसपास ही। यार बहुत कम है, एवरेज इसकी इतनी कम। इंजन का देखते हैं तो इंजन का जो रिस्पांस है, रिस्पांस तो अच्छा है, साइलेंट इंजन है और बहुत स्मूथली चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो एवरेज कम हुई है वो इसके जो डिज़ाइन है ना, डिज़ाइन का जो एरोडायनामिक है वो मतलब ये होता है ये स्लो बिल्कुल नीचे होना चाहिए, राइट हवा ताकि अच्छे से कट कर पास हो जाए, वो कहीं ना कहीं इसमें टकराती है, उस वजह से भी इसका जो एवरेज है वो डाउन आई है बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले वाला जो वेरियंट था जो मॉडल था
उसकी एवरेज इतनी कम नहीं थी। क्योंकि आप इसको साइड से देखेंगे तो इसका जो ये है, हालांकि इंजीनियरिंग तो की गई है इसमें, जो उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा सा किया होगा जो कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं आप देखोगे इसका जो आगे की डिजाइन है वो टायर को टक्कर मारता ही है, शार्प नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो ये है होंडा अमेज का इंटीरियर, ड्यूल टोन के साथ यहाँ पे इंटीरियर मिल जाता है। एंड आप देख पा रहे हैं सीट का क्या सीन है, सीट कवर लगवाए हैं, बाकी सीट इसकी बहुत कंफर्टेबल है। अच्छा, आप कितने भी लॉन्ग रूट आप इस पे ड्राइव कर लो, आपको बिल्कुल भी बोरियत नहीं होती। सीट के मामले में मैं कहूँगा कि बहुत कंफर्टेबल। तो कैसा लगता है आपको डैशबोर्ड? सर, डैशबोर्ड वैसे तो लुक वाइज तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूंगा कि इसमें वाइब्रेशन की इशू है। अच्छा, वाइब्रेशन होता है? बिल्कुल सर, वाइब्रेशन होता है, और वो वाइब्रेशन के भी कई रीजन है। जैसे कि मान लीजिए अब हॉट वेदर है, गर्म है, तो गर्मी में मुझे जो लगता है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि गर्मी में कहीं ना कहीं वो लूज पड़ जाते हैं, इसकी जो फिटिंग्स हैं लूज पड़ने की वजह से इसमें ज्यादा आवाज आने लगती है। और मौसम रहेगा अगर बरसात का या सर्दियों का, तो उसमें कोई नॉइज नहीं आती, बिल्कुल बहुत अच्छा रहता है, मतलब इतना अच्छा फील होता है कि लगता है कि वाह। लेकिन गर्मियों में तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि नहीं, पता नहीं कहां से आवाज आ रही है, आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। आपकी गाड़ी जब बिल्कुल साइलेंट हो और ऐसी नॉइस आ जाए ना, तो बड़ी दिक्कत होती है। इसके डिजाइन में ये जो गैप है, ये गैप मैंने देखा है कि और किसी गाड़ियों में, मारुति में भी इतने गैप नहीं होते जितने गैप इसमें दिए गए। बिल्कुल बिल्कुल। और इन गैप की वजह से सबसे बड़ा जो मुझे लगता है ना इरिटेट करता है, वो ये कि यहाँ से धूल मिट्टी इतनी अंदर जाती है। आप देखोगे जैसे ये खोलते ही यहाँ पूरे में, मतलब आप एक बार रोड पे लेके निकल गए तो यहाँ वापस आओगे तो यहाँ धूल मिट्टी आपको जमी हुई मिलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो साफ ये सारे में धूल मिट्टी बहुत अंदर चली जाती है। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। तो ये लाइन ये देखो, हाँ ये जो क्या है बहुत ज्यादा है यार। तो इसमें इतने मुझे नहीं दिख रहे हैं जितने होंडा अमेज में देखने को मिलते हैं। और देखिए जैसे ये लाइन यहाँ पे है, ये बहुत ही छोटी है, और उसमें उतना ही ज्यादा बड़ा जो है वो गैप दिख रहा है। तो बात करें चाबी के बारे में, तो उस समय यहाँ पे ऐसी की देखने को मिलती थी इसके अंदर, जिसमें आपको लॉक एंड अनलॉक का बटन मिलता था। सिंपल सी की देखने को मिलेगी। एंड अब चेक करते हैं फाइनली इसका इंजन। तो ये है होंडा अमेज का इंजन, 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है। काफी लोगों का यही मानना है कि होंडा अमेज अच्छी गाड़ी है, बट हाँ सिटी में जो है वो ये इंजन अच्छे से परफॉर्म नहीं करता। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजन ठीक है, ठीक परफॉर्म करता है, लेकिन गाड़ी का जो डिजाइन है ना और इंजन, ये कहीं ना कहीं हमें वाइब्रेशन देने लगता है। अच्छा, अब अगर हम इंजन का परफॉर्मेंस पूरा लेना चाहेंगे तो गाड़ी अगर वाइब्रेट करेगी तो हम उसको, सीधी सी बात है, हम एक्सीलेटर को छोड़ देंगे, वो इरिटेट करता है। उस वजह से मुझे लगता है कि इस तरह की इशू है और इंजन की तरफ से कोई। तो ये है होंडा अमेज का इंजन 1.2 लीटर, और यहाँ पे आपको आईवीटेक की बैजिंग भी मिल जाती है, बहुत सही। इस वीडियो को करते हैं रैप अप, अब इनसे पूछते हैं फाइनली इनके पॉजिटिव पॉइंट्स एंड होंडा अमेज के नेगेटिव पॉइंट्स। तो सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स को लेके, शॉर्ट में आप मुझे ये बता दो कि इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, ताकि जो हमारे व्यूअर्स है उनको ये बात पता चले। पॉजिटिव में मैं बताऊंगा आपको कि सबसे अच्छा इसका डिज़ाइन, इसकी जो लुक है, रोड प्रेजेंस है बहुत अच्छा है, इसका जो कंफर्ट है ड्राइविंग का बहुत अच्छा है। जब आप हाईवे पे चलते हैं, हाईवे पे गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, रोड को एकदम ग्रिप करके चलती है। और इसका अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में सर इसकी जो पेंट क्वालिटी है, पेंट क्वालिटी में कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसलिए, क्योंकि इसकी जो गाड़ी सेफ है उसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो मेरी खुद का ऑब्जर्वेशन है, इसका जो चेचिस वगैरह है अंदर का जो है वो काफ़ी मजबूत है, लेकिन चद्दर की बात करें जो इसकी सीट है वो काफ़ी हल्की थी। अच्छा, अगर इस पर हल्का सा भी, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए ये एक निशान बना हुआ है, और ये क्या हुआ था, कुछ नहीं, चलते चलते एक साइकिल वाले का इसमें हैंडल लग गया। अच्छा, वही निशान बन गया हल्का सा, अगर आप इससे नाखून भी चल गया बच्चे का या किसी का भी चलते हुए, वो भी पेंट पे निशान बन गया। अच्छा, इसकी पेंट क्वालिटी पता नहीं कैसे है कैसे नहीं है, मुझे लगता है कि नहीं, ठीक नहीं है।
पब्लिश का नेगेटिव है, दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका ये जो इतना गैप दिया गया है इस वजह से भी इसमें काफी वाइब्रेशन का इशू है। एक तो गैप ज्यादा है और एक इसके ऊपर इंसुलेशन नहीं है प्रॉपर। हाँ। दूसरा ये जो फिटिंग है, ये जो प्लास्टिक मटेरियल है, बारिश में जब अगर कहीं भी या फिर पानी में अगर कम गाड़ी को लेके जाते हैं तो ये सारे निकल कर तैरने लगते हैं। अच्छा, ये मैं दो बार चेंज करा चुका हूँ। बारिश में जरा सा बारिश में पानी में अगर ये डूबा ये अपने आप निकल के बह जाता है, ये प्रॉपर फिटिंग नहीं है। ओके, ये डालियाँ निकल जाती हैं पानी के प्रेशर से ही। अच्छा, निकली आपकी अभी तक? निकल चुकी है। क्या बात है, दो बार निकल चुकी है। फिर ये तो खींच के ऊपर सेट कर दिया, अच्छे से फिट नहीं करी उनको ना। हाँ, ये फिटिंग बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा सा इसका मैं बताऊंगा आपको कि रात में जो इसकी लाइटिंग है उसका जो थ्रो है वो काफ़ी सही नहीं है। चलिए, ये इसके नेगेटिव पॉइंट हो गए। तो और ये था रिव्यू होंडा मेज का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप होंडा मेज लेना चाहते हैं तो अब आपकी चॉइस के ऊपर है, आप ले सकते हैं। जो इसके ओनर है उन्होंने पॉजिटिव पॉइंट के साथ साथ नेगेटिव पॉइंट भी हमारे साथ में शेयर किए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।